नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो क्रियो। आज हम आपको एक ही वीडियो में सारी जनरेशन सिटी की दिखाएंगे। अभी फर्स्ट जनरेशन सिटी पास हुई है, ये आप अपने सामने सेकंड जेन सिटी देख पा रहे होंगे। ये हम आ गए आईवीटेक वर्जन की तरफ, ये थर्ड जेन सिटी है एंड करेंटली जो सोल्ड हो रही है वो है फोर्थ जेन सिटी, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और आज हम आप सभी के सामने लाने वाले हैं फिफ्थ जेन ऑफ सिटी। हर सिटी अपने साथ एक बोल्ड लुक कैरी कर रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये एक्स शोरूम प्राइस आए हैं सिटी के और ऑन रोड प्राइस इसी वीडियो में देंगे। अनरैप करते हुए गाड़ी को हम आपको वॉक अराउंड दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बोल्ड क्रोम पैटर्न दिया गया है जो काफ़ी सूट करता है सिटी पे। हेडलाइट्स में प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं, नीचे देखें तो फॉग लैंप दिए गए हैं। ये VX वेरिएंट है दोस्तों, पर इसमें भी अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, सेम टॉप मॉडल वाले 16 इंच के। आगे बढ़ें दोस्तों तो साइड व्यू मिरर में आपको LED टर्न इंडिकेटर प्रोवाइडेड है। ये डोर हैंडल पे आप देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ऊपर देखें तो सनरूफ काफ़ी अच्छी। दोस्तों गाड़ी की लेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, आप देख पा रहे होंगे ये कैमरा में भी बड़ी मुश्किल से कवर की है मैंने। चलिए दोस्तों रियर लुक की तरफ चलते हैं। ये हम आपके लिए VX ट्रिम कवर कर रहे हैं, टेल लाइट्स की शेप आप देख पा रहे होंगे और रियर लुक मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। आप लोग अपने थॉट्स मेरे को कमेंट्स में बताएं। और शार्क फिन एंटीना और रियर डिफ्यूज़र, ये देखिए दोस्तों ऑटो फोल्डिंग मिरर दिया गया है। सनरूफ दोस्तों वन टच ऑपरेशन के साथ। आज ही लॉन्च हुई है गाड़ी दोस्तों, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आए हैं। हेडलाइट से शुरू करते हैं दोस्तों, आप DRL इंडिकेटर, प्रोजेक्टर, हाई बीम, लो बीम, फॉग लैम्प सब आप देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टेल लैम्प की तरफ। टेल लैम्प का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। देखिए LED स्ट्रिप दी गई है, ब्रेक लाइट आप देख पा रहे होंगे। मैं दोस्तों आपको थोड़ा पीछे से व्यू दिखाता हूँ। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया है। लाइटिंग सेटअप काफ़ी अच्छा दिया गया है सिटी में। चलते हैं इंजन की तरफ। ये दोस्तों होंडा का 121 PS के साथ 145 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आईवीटेक पेट्रोल इंजन, बिल्कुल साउंडलेस इंजन है। इंसुलेशन भी प्रोवाइडेड है। और चलते हैं दोस्तों इंटीरियर की तरफ, आपको दिखाते हैं। डोर पैनल देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड बेज फिनिश के साथ, सारे कंट्रोल्स आपको यहीं प्रोवाइडेड हैं। ये देखिए दोस्तों सीट्स की एडजस्टमेंट के लिए। चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको अंदर का बताते हैं। ये देखिए दोस्तों स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा दिया गया है, स्टीयरिंग नया कर दिया गया है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दूं ये मिड मॉडल है, तो इसमें सारे बेल्स एंड विसल्स नहीं दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों ऑटो AC कंट्रोल नहीं है, USB सॉकेट वगैरह है, नीचे कप होल्डर्स, स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी दी गई हैं। ये मैनुअल आपको दिखा रहे हैं हम। की देखिए दोस्तों टॉप मॉडल की तरह की दी गई है। हैंड ब्रेक आप देख पा रहे होंगे, आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छी जगह प्रोवाइडेड है और स्पेस भी काफ़ी यूटिलाइज करने वाली है। चलिए दोस्तों आगे हम आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड का आउटलुक, काफ़ी पसंद आया मुझे। चलिए दोस्तों ये देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा प्रोवाइडेड है, बॉटल होल्डर्स वगैरह सारे डोर्स पे, स्पीकर साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाकी दोस्तों इसका ड्राइव रिव्यू भी हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं, उसमें हम टॉप वेरिएंट को कवर करेंगे। ये देखिए दोस्तों ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर्स डोर्स में नीचे प्लेस्ड हैं। ये देखिए स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, मतलब कहीं से भी आप लोगों को ये फील नहीं होगा कि ये मिड मॉडल है। चलिए दोस्तों एक बार आपको इंजन स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये हमने कर दिया इंजन स्टार्ट और बिल्कुल साउंडलेस इंजन, मतलब आप प्रीमियम फील इस गाड़ी से पूरी ले सकते हैं। दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल और वो सब कैसे स्टार्ट होता है। ये देखिए होंडा का सिंबल आता है, ऑन करेंगे फुल स्वाइप होती है नीडल्स। इंफोटेनमेंट दिखाऊं तो होंडा, उसके बाद आपको ये देखिए स्क्रीन में रिफ्लेक्शन काफ़ी आ रही है, इस स्क्रीन का भी हम पूरा ओवरव्यू आपको देंगे। ऊपर चलते हैं दोस्तों तो मिरर प्रोवाइडेड है, लाइट नहीं दी गई है। और दूसरी साइड चलते हैं दोस्तों, ये देखिए केबिन लैंप दिया गया है जिसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है।
दूसरी साइड देखें दोस्तों, तो वहां भी मिरर दिया गया है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, बिकॉज होंडा सिटी एक लेडीज ड्रिवन कार है ज्यादातर। सनरूफ खोलते हैं दोस्तों, ये वन टच सनरूफ है, कुछ इशू की वजह से वो वन टच में खुल नहीं पाई। ये देखिए दोस्तों, फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छा आ रहा है सनरूफ से भी, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो सनरूफ से बाहर जरूर निकल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रियर डोर पे हम आ गए हैं, रियर सीट पॉकेट्स दी गई हैं अगर आपको कुछ रखना हो तो। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे इस गाड़ी में। एसी वेंट्स हैं और पीछे भी यूएसबी सॉकेट्स दिए गए हैं। ब्लैक एंड बेज फिनिश की वजह से काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिखाई देता है। सनरूफ की वजह से रूमी फीलिंग आ जाती है। डैशबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, फुल न्यू डिज़ाइन है। रियर में आ गए हैं दोस्तों, ये देखिए, अब हम आप चार सेंसर देख पा रहे होंगे, होंडा का सिंबल बीच में। कैमरा की प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, काफ़ी सही जगह की गई है। बूट खोलते हैं, बूट स्पेस दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए दोस्तों, बूट काफ़ी मतलब वाइड ओपन होता है और इसमें आप अपना सारा लगेज कैरी कर सकते हैं। एक और अच्छी बात दोस्तों, अलॉय व्हील दिया गया है, फिफ्थ व्हील भी, जो कि ज़्यादातर कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं। ये देखिए दोस्तों, रियर डिफॉगर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना है, पीछे तीन हेडरेस्ट देख पा रहे होंगे आप। स्पेस चेकआउट करा देता हूँ आपको, मेरी हाइट 6 फीट है और आगे मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करी है। पीछे आप देखिए, हेडरूम मेरे को वरना से बेटर प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। और लेग रूम की अगर बात करते हैं दोस्तों, एम्पल लेग रूम दिया गया है, आर्मरेस्ट है। प्राइसिंग पे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए आपके सामने सारी प्राइसिंग विद ऑन रोड अमाउंट मैंने दी है। पेट्रोल मैनुअल के तीनों वेरियंट्स दिखा दिए। चलते हैं सीवीटी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करेंगे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर लाइफ। Every single day.